हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे शेयर के बारे में, जिसका सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे। इस पर भी चार्ट पे काफी अच्छा पॉजिटिव पैटर्न बनने लगा है धीरे धीरे यहाँ पे। और देखो, ये शेयर का नाम है विनती ऑर्गेनिक। ये लॉन्ग टर्म में अगर देखा है तो काफी अच्छा इसका ट्रेंड था मार्केट में यहाँ पे अभी, लेकिन कुछ टाइम से मतलब ये September 22 का एक जो ऑल टाइम हाई लगा था उस टाइम पे September में, ठीक है, उसके बाद से फिर कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा बहुत एक बार डाउन साइड पैटर्न बना रहा, पर अब ये रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और अभी 2 महीने पहले यहाँ पे मंथली पे एक कैंडल बनी थी, ये अच्छी कैंडल थी यहाँ पे, ट्यूजर बॉटम कैंडल, ठीक है इसमें यहाँ पे। और अभी यहाँ पे इसमें अच्छा पैटर्न कंटिन्यू में फ्लो बन रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। अब इसमें अगर मंथली के हिसाब से देख रहे हो, मंथली पे आप देखो जब तक 1769 के नीचे अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है तो मंथली पे यहाँ पे, तब तक इसमें यहाँ पे नेगेटिव मत होना यहाँ पे, मतलब ठीक है, तब तक यहाँ पे आप इसमें होल्ड कर सकते हो इसमें पॉजिटिव साइड में। तो मंथली के हिसाब से लेवल्स नोट कर लो, 1769 का लेवल है यहाँ पे, उसके अगर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा जिस मंथ में, यहाँ पे इस मंथ में हो या नेक्स्ट मंथ में कभी भी, तब थोड़ा सा नेगेटिव होने के फिर चांस जाएंगे वापस से, मतलब जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो वापस से ब्रेक थोड़ा लग सकता है उसमें यहाँ पे, ठीक है। ये तो मंथली का हुआ है यहाँ पे। अब एक बार हम वीकली पे देख लेते हैं। वीकली पे भी देखो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेस बना रहा है ये, पिछले 2 वीक में यहाँ पे देखो इसने एक बार अच्छा डिप लगाया, ये इलेक्शन वाला वीक था वो वाले में यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई वापस से उसके बाद, लेकिन वापस एक बार रिकवरी देखिए क्या हो रहा है ना। देखो ये इस बार जो रिकवरी करके इसने क्या करा है ना, आज इस वीक में अभी ये जो प्रीवियस वीक के हाई थे ये वाले 1827 का, 1827 के इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देने पे सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। अब अगर आप चाहो तो इस वीक के हिसाब से लेना है इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट कर लो, या तो या फिर अगर कुछ भी सही लग रहा है तो अभी भी लेट एड कर सकते हो उसमें यहाँ पे। बाकी ये चीज़ अच्छी है इसमें कि 1824 1827 के ऊपर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग भी देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है यहाँ पे, सिक्योरिटी यहाँ पे। अब हम डेली पे देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, देखो एनालिसिस करने का नीड यहाँ पे होता है ना कि आप जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट आपका है, आपको लगता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, ये हिसाब से प्लान कर रहे हो, या 2 5 10 दिन का, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस वगैरह क्या रहेगा, कंडीशन क्या रह रही है, या चार्ट पे पैटर्न क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें अभी कंटिन्यू वॉल्यूम भी जनरेट हो रही है मार्केट में, यहाँ पे डे बाई डे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 3 4 दिन से, देखो यहाँ पे 3 दिन से अच्छी हो रही है, उससे पहले भी अच्छी वॉल्यूम थी मार्केट में यहाँ पे। देखो ये वॉल्यूम क्या थी यहाँ पे, जब यहाँ पे मार्केट में बायर्स आए उसके बाद धीरे धीरे करते करते यहाँ पे बायर्स ने माल उठाने की कोशिश करी यहाँ पे ऐसे में। अब अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा अभी लग रहा है कि काफी मोमेंटम आ चुका है, तो एक बार थोड़ा सा अच्छा इसमें थोड़ा सा बेस बनने दो वापस से, डिप आने दो इसमें यहाँ पे, तब एड कर लेना या फिर, ठीक है, क्योंकि ये 1825 इसके आसपास भी आएगा तो एक बार सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे इसको, और उसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे 1784, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे इसमें देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके लेवल वगैरह जो बना देते हैं यहाँ पे क्या रहता है। अब इसमें जो पहला सपोर्ट लेवल इसके आसपास आएगा अभी यहाँ पे फिलहाल 1825 का, और उसके बाद है यहाँ पे ये वाला लेवल 1769 के आसपास, तो यही से 1785 का। और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना, जिस मंथ में 1769 के नीचे क्लोजिंग हो जाए वहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करें ना, अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है तो, क्योंकि फिर मतलब वापस से वो चार्ट पैटर्न नेगेटिव हो जाएगा मंथली के हिसाब से। और डेली के हिसाब से ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे, ये 1825 का सपोर्ट लेवल पहला है यहाँ पे, और उसके बाद है 1785 1762 यहाँ पे, और ऊपर रिजेक्शन कहाँ पे आने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे इस जगह के भी आसपास। यहाँ पे थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये इधर टकराया था जहाँ पे आज पिछले रिजेक्शन लिया इस जगह पर यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे। इसमें मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।